हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए बड़ी धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं। एक्चुअली बच्चों, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनकी डिमांड पे हम ये टॉपिक लेके आए हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। ये आपके जो एसएससी का एग्जाम है या फिर आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है, उनमें ये क्वेश्चंस आते हैं। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 2^35। एक्चुअली क्या होता है, जो 35 पावर है वहां पे कोई और पावर भी हो सकती है। अब जो हमारे पास नंबर्स होते हैं जो यूनिट प्लेस पे हो सकते हैं, वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। जैसे हमारे पास 1 है, किसी भी नंबर पे के यूनिट प्लेस पे अगर 1 है तो उसकी पावर जो मर्जी होती रहे, तो हमारे पास जो नंबर आएगा उसका जो यूनिट प्लेस होएगा वो भी हमारे पास 1 ही रहने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा साइकिल 1 है। तो इन क्वेश्चंस के लिए हमने साइकिल को डिस्कस करना है कि एक्चुअली साइकिल पीरियड होता क्या है। जैसे 1 को हमने डिस्कस किया, वैसे ही हमारे पास एक नंबर 5 है। अगर 1's प्लेस पे 5 है, किसी भी नंबर के 1's प्लेस पे अगर 5 है, तो अगर हम पावर 1 कर रहे हैं तो 5 ही रह जाएगा। अगर पावर 2 कर रहे हैं तो 25, 1's प्लेस पे फिर भी 5 रह रहे हैं। 5 की पावर 3, 125, 1's प्लेस पे फिर भी 5 रह रहे हैं। तो आपको ये समझ आ रहा है कि 5 की पावर जो मर्जी करें, हमारे पास 1's प्लेस पे 5 ही रहने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइकिल हमारे पास 5 का क्या है, 1 है। वैसे ही हमारा नंबर 6 है, ध्यान देना है, 6 की पावर 1, 6, 6 की पावर 2, 36, 6 की पावर 3, 216, तो 1's प्लेस पे 6 ही रह रहा है हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 का जो साइकिल है वो भी हम 1 लेते हैं। जैसे 0 है, ये तो आपको क्लियर ही है, 0 का भी साइकिल 1 ही होगा। हम अब बात करने वाले जो है वो है 2। अब जो 2 की पावर 1 है वो हमारे पास क्या होता है, 2 की पावर 1, 2, 2 की पावर 2, 4, 2 की पावर 3, 8, 2 की पावर 4, 16, 2 की पावर 5, 32। अब यूनिट प्लेस को देखो, 2, 4, 8, 6 और 6 के बाद दोबारा फिर 2 आ रहा है, 1, 2, 3, 4, तो ये 4 नंबर्स हैं। तो इसका जो साइकिल है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो 4 आ रहा है। अगर हम बात करें 3 की, 3 की पावर 1, 3, 3 की पावर 2, 9, 3 की पावर 3, 27, 3 की पावर 4, 81, 3 की पावर 5, 243। अब हम यूनिट प्लेस की अगर बात करें, 3, 9, 7, 1 और 1 के बाद दोबारा 3, तो यहाँ पे भी जो साइकिल है वो हमारे पास 4 ही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर हम बात करें 4 की, 4 की पावर 1, 4, 4 की पावर 2, 16, 4 की पावर 3, 64। अब यहां पे देखो, 1's प्लेस 4, 6 और उसके बाद फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आएगा। इसका मतलब 4 का साइकिल जो हमारे पास हुआ वो 2। 5 और 6 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बात कर रहे हैं 7 की। 7 की पावर 1, 7 है, 7 की पावर 2, 49, 7 की पावर 3, 343। अब जो 7 की पावर 4 है, दैट इज 2401। अब हम नंबर्स की अगर बात करें, 7 की पावर 5 पे 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 ही आएगा। तो 1's प्लेस की बात करेंगे, 7, 9, 3, 1, दोबारा फिर 7, तो यहाँ पे 7 के केस में भी जो साइकिल रहने वाला है वो हमारे पास 4 है। जो ये साइकिल की हम बात कर रहे हैं, ये बात आपको जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि ये साइकिल निकालना क्यों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस हम 2 की पावर वाला कर रहे हैं, बट साइकिल्स हम सारे डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। 8 की पावर 1, 8 है, 8 की पावर 2, 64 है, 8 की पावर 3, 512 है, 8 की पावर 4, 4096 है। अब ध्यान देना है, 1's प्लेस की बात कर रहे हैं, 8, 4, 2, 6, और जो 8 की पावर 5 आएगी वहां पे भी हमारे पास क्या आने वाला है, 8 ही आने वाला है। तो 8 का जो साइकिल है वो भी हमारे पास 4 ही होगा। अब बात करेंगे 9 की, 9 की पावर 1, 9, 9 की पावर 2, 81, 9 की पावर 3, 729। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, 9191 आगे, मतलब यही चलता रहेगा, 9191, तो 9 का साइकिल भी हमारे पास 2 हुआ।
अब हमने सारे साइकिल जो हैं वो हमने निकाल लिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, यहां से हमने स्टार्ट किया था 2 की पावर 35। अब 2 का जो साइकिल रहने वाला है वो क्या है, 4। हम जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 32, 3 रिमाइंडर। हमारे पास 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो अब हमने क्या ध्यान देना है, जो यूनिट प्लेस लास्ट डिजिट 2 raised to the power 35 का वही होगा जो 2 की पावर 3 का होगा। अब 2 की पावर 3 का जो वंस प्लेस है वो क्या होगा, 8। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 2 की पावर 35 का लास्ट डिजिट हमारे पास क्या रहने वाला है, 8 रहने वाला है। एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन है लास्ट डिजिट ऑफ द 33 raised to the power 123। ये है हमारा क्वेश्चन। अब क्या बात ध्यान में देना है, किस बात को ध्यान में रखना है कि नंबर बेशक 33 है बट हमने यहां से वंस प्लेस ही लेना है। वंस प्लेस जैसे कहने का मतलब 33 की पावर 123 का वंस प्लेस वही होगा जो 3 की पावर 123 का होगा। अब 123 3 की पावर 3 का साइकिल क्या है, 4 है। 123 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12 3 0 3। तो हमारे पास यहां पे भी 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो 3 की पावर 123 का जो वंस प्लेस यूनिट डिजिट होगा वो वही होगा जो 3 की पावर 3 का होगा। अब हमें पता है कि 3 की पावर 3 27, मतलब हमें वंस प्लेस चाहिए, तो हमारा जो आंसर होएगा वो होएगा 7। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको जो आने वाली वीडियोस हैं उनके आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।